गाइस नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है संडे और मैं करने वाली हूँ बहुत सारे काम। तो गाइस संडे को मैं आपको जैसे पता है कि संडे को मैं सफाई करती हूँ, पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, अच्छे से साफ करती हूँ पूरे घर को। तो गाइस मेरा घर आप देख सकते हैं, हमारे घर में कितना गंद हुआ पड़ा है, ये सब समेटना है। तो चलिए गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और गाइस आज है फादर्स डे, तो सारे बच्चे अपने अपने पापा को विश कीजिएगा, अच्छे अच्छे कार्ड बना के दीजिएगा, अच्छे अच्छे गिफ्ट उनके लिए प्रोपर कीजिएगा। गाइस हमारे तो पापा है नहीं, अगले साल जुलाई में खत्म हो गए थे, कितने 20 जुलाई को शायद, या है ना नाना जी 20 जुलाई को खत्म हो गए। हाँ 20 जुलाई को हमारे पापा पिछले साल खत्म हो गए थे, नहीं 22 जुलाई, 22 तारीख को, हाँ 22, हाँ 22 जुलाई को हमारे पापा जी खत्म हो गए थे। तो भगवान की आत्मा को शांति देना और जहाँ भी रहे वो खुश रहे, हमारी तरफ से हैप्पी फादर डे पापा जी। तो चलिए गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में, तो दिखाते हैं आपको हम अपने घर की सफाई कैसे करते हैं। वैसे तो मैं तो पैसे ही ब्लॉग दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं ब्लॉग आप सभी को सुबह शेयर कर रही हूँ, आप बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में। चलो ग्रुप तो हो जाओ शुरू। तो चलिए भाई फटाफट करते हैं काम, क्योंकि देर सारे हैं हमारे घर काम बनने का। ये कपड़े गाइस निकालते हैं रात को ओढ़ने के लिए, वैसे तो इतनी गर्मी हो रही है तो फटी नहीं ओढ़ने की। होगा मम्मी, होगा गाइस बने रहिए पूरे ब्लॉग में। एंड में हमारे वीडियो में होने वाला है धमाका, बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए, तो देखना मत भूलना हमारा ब्लॉग फादर्स डे के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर कपड़े पहना लेते हैं गाइस, पहले मैं इस समय ब्लॉग स्टार्ट करती हूं। आ जाइए कपड़े मशीन लगा के ना। हां बहुत सारे काम करने आज मेरे को, तो आपको तो मैं हेल्प करवा सकती हूँ। चलिए पेंट कर, इस रूम की भी सफाई कर लेते हैं, इस रूम में भी झाड़ू मार लेते हैं, यानी कि है ना। हाँ कितने बजे लाया थी दीदी ने? पता नहीं, इतने गंदा रूम होगा, वही कल रात का हल्दी वाला दूध गिर गया होगा। संडे के दिन तो हमारी मौज होती है, लेकिन आपके तो कभी छुट्टी नहीं होती है ना? हमारी कभी छुट्टी नहीं होती, मैं तो हमेशा ही काम करता हूं। पापा की तो कभी हो भी जाती है, लेकिन मम्मी की कभी छुट्टी नहीं होती है ना। हां घर में सारी औरतें कभी छुट्टी नहीं होती, बिचारी बार बार काम करती है ना। हम्म, कितने प्यार से बच्चों को खाना बना के खिलाना, हर चीज बच्चों की डिमांड पूरी करना, और अन्य अन्य भाई पैसे खिला रही है, गर्मी की गर्मी बहुत हो रही है ना। हां आप उन्हें बोलिए आपको खेल, ऐसे ही रहने देना, हम ट्रेन ट्रेन खेलेंगे, ट्रेन ट्रेन खेलेंगे बाबू मैं और अनन्या दीदी। देखिए गाइस मम्मी की झाड़ू लग चुकी है और घर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि अभी काम खत्म, अभी बहुत सारे काम रहते हैं।
हमारी झाड़ू पूरी लग गई है, अंदर से बाहर तक मैंने पूरी झाड़ू लगा दी है। आ जाओ। तो गाइस आप मेरे को देख सकते हो कितना पसीना पसीना सच में गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और घर में मेरे को झाड़ू लग गई है। अब देखना मैं कैसे ट्रिक से काम करती हूँ। अब मैं क्या, अब ये आज के पीछे से जीत दिखा रही है भाई को लेके। तो चलिए गाइस चलते हैं, पहले मशीन बड़े बड़े यहाँ पे मशीन लगा देंगे, जब तक हमारे कपड़े धुलेंगे यहाँ पे, जब तक हम बर्तन धुल लेंगे। तो मशीन में कपड़े एक बार पानी यानी सर्फ डाल के मशीन में कपड़े डाल देंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी रसोई में बर्तन धुल लूंगी। जब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, जब तक मेरे उधर बर्तन भी धुल जाएंगे, तो वे ना गाइस एक साथ दो काम। और मेरे को आप देख सकते हो इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है गाइस, सच में बहुत गर्मी हो रही है गाइस। तो चलिए ठीक है, फिर जल्दी जल्दी मशीन निकाल लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस मेरी झाड़ू वाड़ू लग गई और मशीन मैंने बाहर निकाल ली, और बाबू लगातार रोने, तो मैं चली गई उसको सुलाने। लेकिन उन्होंने आज ही ने मशीन में पानी वानी भर दिया, कपड़े पड़े डाल दिए, पहली बार काम किया ही इन्होंने। कहती मम्मी कोई बात नहीं, थोड़ा काम मैं आपको करवा लेती हूँ, दिखाती हूँ। मैं शीशा भी साफ करती हूँ। आशी है और मेरी आशी ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी भर दिया है मशीन में। तो ये देखिए पूरी गीली हो गई आशी। मैंने मना किया था मत करना, इन्होंने ये कह रहे थे जैसे मम्मी मेरे को कुछ काम बता दो, मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप, देखिए गाइस ये कपड़े डाल दिए हैं, धुल रहे हैं मशीन में। और ये मेरी आशी है, आशी ने इन दोनों ने मिलकर किया है। तो चलिए गाइस फटाफट बर्तन धुल लेते हैं, जब तक मशीन यहाँ पे चालू, मतलब कपड़े धुल रहे हैं जब तक मशीन में, जब तक हम बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद डस्टिंग करेंगे पूरे घर की। तो चलिए फटाफट पहले बर्तन धुल लेते हैं, जब तक मैंने बाबू को सुला दिया, बाबू सो रहा है आराम से, कोई बात नहीं थोड़ी देर सोएगा जब तक मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए गाइस फटाफट से मैं बर्तन धो रही हूं, धुल लेते जल्दी जल्दी है ना, बाबू सो रहा है ना। तो गाइस देखिए मम्मी बर्तन धो रही हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं मम्मी कितनी फास्ट फास्ट चल रही है, काम कर रही है। आज बहुत थोड़ा काम है ना, दो तीन बज जाते काम करते करते, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ठीक है सुबह तो जल्दी जल्दी है, गर्मी बहुत तेज की हो रही है। तो गाइस ये देखिए मैंने सारे बर्तन यहाँ पर धुल के रख दिए हैं, देख सकते हैं आप सारे बर्तन हमने धुल लिए हैं। और इधर मैंने बर्तन धुल लिए, उधर मेरी मशीन दो बार सीटी लग गई, मशीन ने मतलब दो बार घूम चुकी है, तो उधर कपड़े भी धुल गए हैं। फटाफट मैं कपड़े निकाल के अलग कर देती हूँ, बाकी बचे वाले कपड़े मैं उसमें डाल देती हूँ, और उधर उसके बाद मैं फटाफट घर में कर लेती हूँ डस्टिंग, और कपड़े धुल के बच्चों को नहला के बस पोछा लगा के छुट्टी। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट निकालते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही है गाइस, और मेरा बेटा तो सो रहा है, इसलिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ गाइस। तो चलिए फटाफट कपड़े पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद डस्टिंग कर देती हूँ घर की। ये देखिए आशी, इसमें रखो, इसमें इसमें रखो, बाल्टी में, बाल्टी में रखो, लाटो मैं निकालू, हटो निकालूंगा नहीं, आप रहे तो गर्मी लग रही, वैसे भी आपको हटो नहीं लग रही, लग रही है नहीं लग रही। ठीक है ये कपड़े मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पे, दूसरे कपड़े और इसमें मैंने डाल दिए, तो मशीन चला देती हूँ फटाफट। चल गए ठीक है, टेस्टिंग कर लेते हैं, बाबू मेरे छोटा है ना, इसलिए मैं चुपचाप बोल रही हूँ।
कपड़े वपड़े धो लिए हैं और सुखा के भी आ गई हैं। तो फिर अब मम्मी मशीन साफ कर रही है, उसके बाद मम्मी को पोछा लगाना है। क्या मम्मी लगा रही है पोछा। हेलो गाइस, तो देखिए हमारा सारा काम हो गया है और मैं अपने घर की आपको सफाई दिखाती हूँ। हेलो गाइस, तो देखिए मेरा काम हो गया है और मैं नहा के आ गई हूँ। अभी गाइस 4 बज गए हैं, अब मेरा काम हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको टाइम, सच में 4 या 5 बज रहे होंगे। गाइस इस टाइम मेरा काम ख़त्म हो पाया है। पता नहीं कौन से लोग कहते हैं कि मिनटों में काम हो जाता है, मेरा काम तो मिनटों में नहीं होता गाइस। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैंने कैसे सफाई की है सोई में। तो ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, देखिए यहाँ से देखिए, ये जो टाइल दिख रही है मैंने इसमें जूने से रगड़ रगड़ के ये सारी सफाई करी है। ये देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं, देखिए देखिए ये सारी मैंने देखिए पूरा क्लीन हुआ पड़ा है। देख सकते हैं आप, सारी सफाई करी मैंने एकदम अच्छे से। देखिए गाइस सारी सफाई मेरी हो गई है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं कमरे में, कमरे में देखते हैं सफाई। ये देखिए गाइस, आपने सुबह देखा था सुबह कैसा लग रहा था, अब देखिए गाइस ये मेरे बाबू आदर्श, ये देखिए गाइस देख सकते हैं आप, सारी चादर वदर चेंज कर दी मैंने, बेड बेड सब साफ किया था। ये सारा देख सकते हैं गाइस, ये सारी सफाई हमारे घर में हो गई। और इनको बच्चों को दोनों को मैंने नन्याशी को बाल धुल दिए थे, बाबू को भी मालिश कर दी थी और ये भी इसको भी नहला दिया। सो ये एक बार और सो चुका है गाइस, उठ गया अभी उठा है ये, और देख सकते हैं इसकी मालिश वालिश के नहला दिया। काजल लगाऊंगी भी, काजल वैसे ख़त्म हो गया, ये बनाऊंगी फिर इसको लगाऊंगी मैं। तो अनन्या आशी को भी बाल बाल मैंने इनके सबके धुल दिए हैं, बस तेल लगाना रह गया गाइस। देखिए पूरी घर की क्लीनिंग, देखिए सब सफाई कर दी मैंने गाइस। ये गाइस देख सकते हैं इतने सारे कपड़े अभी मैं ले आई हूँ, क्योंकि ये सूख चुके थे और बाकी अभी नहीं सूखे हैं जो वहीं पड़े हैं। तो देख सकते हैं गाइस कपड़े तो आजकल जल्दी सूख जाते हैं, तो ये सारे कपड़े। तो ये देखिए गाइस, ये सारे पैरदान जो ये पड़े सारे मैंने धुले थे, सब ये सूख चुके हैं गाइस। तो देखिए गाइस सफाई हमारे घर की, सुबह आपको दिखाया था कैसे गंद हुआ पड़ा था। तो ये पैरदान ये सब मैंने धुले थे और ये सारे घर की हमारे देख सकते हैं चमक रहा है ना गाइस, देख सकते हैं आप पूरा घर मैंने चमका चमका के रगड़ रगड़ के साफ किया है गाइस। आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से मैंने सफाई कर दी है पूरे घर की, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये वॉशरूम है, ये भी मैंने अच्छे से एकदम क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं एकदम अच्छे से, देख सकते हैं गाइस एकदम अच्छे से मैंने हर चीज़ क्लीन की है एकदम। देखिए सब सफाई कर दी है गाइस पूरे घर की। और ये देखिए देख सकते हैं पूरे घर की सफाई करी। ये रूम रह गया, ये भी गाइस आपको ये रूम भी दिखा देते हैं, अंधेरा हो रहा है लाइट जलाते हैं, अभी दिखाती हूँ आपकी। तो ये देखिए गाइस देख सकते हैं इस रूम को भी अच्छे से मैंने पूरा ये लगा लो, पूरा घर अच्छे से क्लीन किया है। इसकी चादर मैंने अभी बिछाई नहीं, अभी बिछाऊंगी मैं, अंदर वाले रूम की मैंने चादर बिछा ली थी तो मैंने अभी इसकी बिछाई नहीं है। और मंदिर की सफाई मैंने परसों की थी शुक्रवार को, तो मंदिर की सफाई नहीं की मैंने, बाकी मैंने सब हर चीज़ की सफाई कर दी थी। तो देखिए गाइस, तो देखिए फ्रेंड्स टाइम क्या हो रहा है, अब तो 5:30 बजने वाले हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। और ये मेरा बाबू यहाँ पे खेल रहा है। ओए 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 बेटा, बेटू गागल ले, गागल ले मेरे बेटा, गागल ले है, हाँ हाँ गागल ले, गागल ले, गागल ले।
तो ठीक है गाइस, वैसे खाना तो मैंने आज बनाया नहीं है, मैं काम कर रही थी सुबह, सफाई में कपड़े वपड़े धुले, पूरे घर की क्लीनिंग करी, बर्तन झाड़ू सब कुछ किया गाइस, बच्चों को नहलाना धुलाना, तीनों बच्चों को नहलाया, मालिश किया, अन्या के आशी के बाल बाल धुले, टाइम काफ़ी हो गया था। पापा इनके आए थे 1 बजे आए थे, तो वो बाहर से यही खाना लेके आए थे, खाने में थे छोले भटूरे, तो बच्चों ने वीडियो बनाई नहीं थी, भूख लग रही थी तो मैंने भी खा लिए और बच्चों ने भी खा लिए थे। तो गाइस आज खाना बना हमारा बना नहीं है, तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है गाइस, तो चलिए आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। और मैंने सफाई क्यों करी है, गाइस क्लीनिंग क्यों करी है, ये आपको बाद में बताऊँगी, अगले ब्लॉग में बताऊँगी।